दोस्तों आपने साल 2001 की फिल्म नायक द रियल हीरो तो जरूर देखी होगी, जो एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में अनिल कपूर मुख्य भूमिका के तौर पर शिवाजी राव का किरदार निभाते हुए दिखे थे, जिन्हें एक दिन के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए चुनौती मिलती है और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए सफल भी हो जाते हैं, जिसके चलते लोगों द्वारा मांग की जाती है कि इन्हें हमेशा के लिए ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इन्होंने अपने इस किरदार को बहुत ही खूबसूरती से निभाया, जिसके चलते ये दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए। इस फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने किरदारों को अच्छे से निभाया और वो सभी अपने किरदार से पॉपुलर हो गए। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म के बारे में नहीं, बल्कि इस फिल्म में काम करने वाले कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू करवाएंगे, जिनमें आप अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप इस फिल्म के बाकी कलाकारों की पत्नियों के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं ना आपको। नंबर 5, जॉनी लीवर। इस फिल्म में जॉनी लीवर ने टोपी का किरदार निभाया, जो कि शिवाजी राव के दोस्त होते हैं। शिवाजी राव की काफी मदद भी करते हैं। इस फिल्म में दर्शकों ने इनके किरदार को काफी पसंद किया, अपने किरदार के जरिए काफी पॉपुलर भी हो गए। लेकिन अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम सुजाता लीवर है, जो कि एक हाउसवाइफ है। 1984 में इन्होंने शादी की थी और आज तक दोनों साथ है। इन दोनों को अक्सर साथ में कई इवेंट्स में देखा जाता है, जहाँ इनके बीच प्यार साफ साफ देखा जा सकता है। अगर बात करें इनकी खूबसूरती की, तो दिखने में बड़ी खूबसूरत है, जैसा कि इनकी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। नंबर 4, सुष्मिता सेन। इस फिल्म में सुष्मिता सेन ने एक छोटा सा किरदार निभाया था। इन्होंने एक आइटम सॉन्ग शकला का बेबी पर डांस करके लोगों को दीवाना बना दिया। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेत्री के पति की, तो आपको बता दें इन्होंने शादी नहीं की है, लेकिन हाँ इनके अफेयर की चर्चाएं खूब जोरों शोरों पर आती रहती थी। आपको बता दें वो कोई और नहीं, रोमन शॉल है, जिनके साथ इन्हें कई बार स्पोर्ट किया गया। पहले मैं इसे एक अफवाह मानी जा रही थी, लेकिन बाद में इस बात का कन्फेस सुष्मिता सेन ने खुद ही कर लिया, जो रोमन शॉल को पसंद करती है और इनकी बातों से लगता है ये जल्दी शादी कर सकते हैं। आपको बता दें रोमन शॉल प्रोफेशन से एक मॉडल है। इन्होंने सुष्मिता सेन के अमेजन प्राइम सीरीज हेयर में लव की है। नंबर 3, रानी मुखर्जी। इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने मंजरी का किरदार निभाया, जो कि एक बहादुर लड़की होती है। शिवाजी राव से प्यार करती है। इस फिल्म में दर्शकों ने इनकी लव केमिस्ट्री को बड़ा पसंद किया और यह उस समय काफी पॉपुलर हो गई। अगर बात करें इनके रियल लाइफ पति की, तो इनके पति का नाम आदित्य चोपड़ा है, जिनसे इन्होंने 2014 में शादी की। शादी के बाद इनकी एक बेटी भी है, जिसका नाम पायल खन्ना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें इनकी पत्नी बिजनेसमैन है और प्रोफेशन से फिल्म डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने कई फिल्मों को डायरेक्ट किया है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रब ने बना दी जोड़ी, जब तक है जान जैसे हिट फिल्में शामिल है। नंबर 2, शिवाजी सातम। इस फिल्म में शिवाजी सातम ने मंजरी के पापा का किरदार निभाया, जो कि अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। ये नहीं चाहते कि इनकी बेटी मंजरी की शादी शिवाजी राव से हो। इस फिल्म में इन्होंने एक पिता का किरदार काफी अच्छे से निभाया। दर्शक आज भी इनके किरदार के लिए याद करते हैं इन्हें। लेकिन अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम अरुणा सातम है, जिनसे इन्होंने काफी सालों पहले शादी की। आज इनका एक बेटा भी है, जिसका नाम अभिजीत सातम है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनकी पत्नी काफी लंबी बीमारी से ग्रस्त है, जिसके चलते इनकी मृत्यु भी हो गई। नंबर 1, पूजा बत्रा। इस फिल्म में पूजा बत्रा ने लैला का किरदार निभाया, जो शिवाजी राव से बेनतिया प्यार करती थी, लेकिन शिवाजी राव मंजरी से प्यार करते थे। इस फिल्म में इन्होंने एक मासूम सी लड़की का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। अगर बात करें इनके पति की, तो इनके पति का नाम नवाब शाह है, जिनसे इन्होंने 2019 में शादी की। आपको बता दें इनके पति प्रोफेशन से एक अभिनेता है, जिन्होंने भाग मिल्खा भाग, टाइगर जिंदा है, राजा को रानी से प्यार हो गया और हम शक्ल जैसी फिल्मों में काम किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नवाब शाह इनके दूसरे पति हैं। इन्होंने पहली शादी सोनू एस आलूवालिया से की। दोस्तों आपको इस फिल्म में सबसे अच्छा अभिनय किसका लगा, आप हमें इनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बॉलीवुड से जुड़ी और भी मसालेदार बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।